एग्जाम पास आए, दिल घबराए, दिल में न जाने क्या कुछ कुछ होता है। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय याद नहीं होता है। हाय एवरीवन, देखो मैं आपको मजे लेने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं आपको विश करने आया हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बहुत अच्छे से पेपर दीजिए, कल पेपर है। देखो मुझे खुशी इस बात की हो रही है ना, एक साल, पूरे एक साल मैं वीडियोस बनाता था, वीडियो अपलोड करूंगा, व्यूज ही नहीं आएंगे, कमेंट ही नहीं आएंगे, ग्रुप सन्नाटा पड़ा रहेगा, कोई मैसेज नहीं। अभी जो आपकी चिंता है, वो ये जो टेंशन है, ये जो फिकर है, आहा, देख के बड़ा ही आनंद आ रहा है। ओके, जोक्स अपार्ट, देखो मैं और आप, हम ऐसे स्टूडेंट और टीचर वाला नहीं है, हमारा एक भाई बहन की तरह है, एक दोस्त की तरह है। तो उस दोस्त के नाते ये जेन्युइन है कि मैं आपके थोड़े से मजे लूंगा, आप थोड़े से मजाक करूंगा। बट जोक्स अपार्ट, मैं मेरे दिल से ख्वाहिश है कि पेपर अच्छा हो, अच्छे से लिख के आओ, अच्छा होगा। अब यहाँ पे मैं आपको विश करने आया हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ी सी बातें बस आपसे करूंगा। आप कोई क्लास 1, 2 या 6, 7 के पेपर नहीं देने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो क्वेश्चन सबसे पहले करना जो सबसे अच्छा से आता हो वो लिखना, ऐसा कुछ नहीं है। यू गाइज आर वेल मेच्योर, राइट? आप ऑलरेडी बहुत अच्छे समझदार है। बस हाँ, इतना आप एक काम करिएगा, अच्छे से जाइएगा, टाइम से जाइएगा, टेंशन फ्री होकर जाइएगा। अब यहां से कुछ ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा तीर मार लेंगे, जो भी लिख के आएगा सही, मतलब ज्यादा लिख के आएगा सही लिख के आएगा, और कोशिश करेगा क्वेश्चन ना छूटा, ये जेन्युइन सी बात है। खास बात यह है दोस्तों, 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए पूरा 10 नंबर का होता है, तो सेक्शन ए में आपको बहुत समय नहीं देना है, मैक्सिमम 20 से 25 से मैक्सिमम 30 मिनट, आधे घंटे में सेक्शन ए कंप्लीट करिए, ठीक है। बाकी के जो 1.5 घंटे है दोस्तों, 1.5 घंटे में आप सेक्शन बी कंप्लीट करिए, क्योंकि सेक्शन बी जो है 5 सवाल उसमें अटेम्प्ट करने होता है, उसमें घड़ी लेके जाइएगा, जहां आधा घंटा हो सेक्शन ए खत्म करिएगा। और अगर आधा घंटे से ज्यादा जा रहे हैं तो दिमाग में ये रखिएगा कि हमें सेक्शन बी को जल्दी करना है, ठीक है। 1.5 घंटे में आप सेक्शन बी करिए। सेक्शन सी के लिए आपके पास 1 घंटा बचे, आधा घंटा ये, 1.5 घंटा ये, 2 घंटा हो गया। सेक्शन सी के लिए आपके 2 क्वेश्चन बचेंगे, 1 घंटे में आधा आधा घंटा करिए, बस इस तरीके से टाइम आपका मैनेज हो जाएगा। और अगर हम पेजेस की बात करें तो सेक्शन ए की जो क्वेश्चंस है, 1 पेज में 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 क्वेश्चन यहां हो गया, फिर आपके पास 32, 5 क्वेश्चन यहां निकल गए। सेक्शन बी जो है 3 से 4 पेज, किसी में चाहे तो 3 पेज दे सकते हैं, किसी में 4 पेज दे सकते हैं, तो यहां पे आप करिए। तो यहां से अगर आप 3 पेज लेंगे तो 15, 2, 3 और मान लेते 18 इधर हो गया और 5 इधर हो गया, 18, 5, 23, बाकी बस आपके पास कितने बचे, 8 पेज या 9 पेज बचेंगे आपके पास, तो उसमें 4, 4.5, 5 पेज करके आप दोनों क्वेश्चन को निपटा लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। सेक्शन ए में बहुत ज्यादा आपको समय नहीं देना, क्योंकि पूरा सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर के रहेंगे, और सेक्शन सी आपका एक ही क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा, तो छूटे ना। बस इतना ही कहना था, बाकी और कुछ नहीं कहना था। अच्छे से लिख के आइए, बढ़िया से लिख के आइए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इतने आप समझदार हैं कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, इतने आप समझदार हैं कि कुछ भी पूछिए आप, उससे रिलेटेड जो है आप लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं कि बी एड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन, इट्स फाइन, जो आपने पढ़ लिया, जो आपने समझ लिया, बस उतना ही उसी में से आएगा, बाहर नहीं आएगा। इतना है कि अगर आपने मैराथन या वीडियोस देखे है ना, तो आप जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना था आपसे। और जाइए, खुश रहिए, मेरी तरफ से आशीर्वाद, दुआ सब आपके साथ है, पेपर अच्छा होगा, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, पेपर देके आइए, पेपर आने के बाद मुझे पेपर मिलेगा, फिर अपन उस पर रिव्यू करेंगे, उस पर बात करेंगे। और ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक आज पूरे दिन, क्योंकि कल पेपर है, तो आज पूरे दिन कोशिश करिए कि कल का पेपर पढ़ लीजिए, ठीक है। और फिर यार कल पेपर दे के आओगे तो वो जो टेंशन होगी ना, क्योंकि परसों फिर से पेपर देना है, ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं। हंसी किस लिए आ, देखो मुझे पता है तुम लोग बहुत बहुत गाली दे रहे हो, गाली तो नहीं दोगे, इतनी इज्जत कर रहे होगे, लेकिन बहुत गुस्से में होगे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपका टेंशन क्या है। आपका टेंशन, आपकी हालत ये है ना कि जब सीरीज उठाओ तो अरे यार ये सब तो पढ़ ही लिया है, इसमें तो लिख देंगे, लेकिन जब सोने जाओ तो इस बात की चिंता हो रही है कि देखो कल तुम्हारा पेपर है और तुम सो रहे हो, ना नींद आ रही है, ना भूख लगे, ना प्यास लगे, हाय रो गई है कैसा, तो ये वाली सीन है आपके साथ, करेक्ट, बट इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। 2 दिन में टेंशन लेके कुछ नहीं होगा, बस ये है कि लिख के आ जाना, लिखना इतना और ऐसे कि एग्जामिनर को लगे कि बस यही तो वो बच्चा है जो पूरे साल पढ़ के आया है,
समझ आ गई बात। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे दिल से दुआ है, ख्वाहिश है, क्योंकि देखो आपका पेपर अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना। देखिए पेपर आपका है, लेकिन मैंने खुद पढ़ाई करी है, मुझे पेपर नहीं था ना, बट खुद मैंने सारी चीजें पढ़ी है, समझाया आपको, इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके, घबराने या टेंशन करने की कोई बात नहीं, पेपर बहुत अच्छा होगा, बस लिख के आइए खुश। और कोई बात, कोई बात तो नहीं ना। अच्छा एक सवाल, लास्ट टाइम मैं वीडियोस इसलिए नहीं बनाता हूँ ना, क्योंकि लास्ट टाइम आप वो मत पढ़िए जो कोई और पढ़ा रहा हो, मैं मेरा यही कॉन्सेप्ट है, आप वो मत पढ़िए जो कोई और पढ़ा रहा हो, क्योंकि जो कोई और बताएगा ना फिर आप उसको लिख नहीं पाएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे आप वो पढ़िए जो आपका मन कर रहा है, जो आपने पढ़ा हो, क्योंकि यही वो आप एग्जाम में लिख के आएंगे। समझ में आ गई बात? तो बस जाके छाप के आ जाइए, कोई टेंशन नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट शुभकामनाएं आपको, एग्जाम दे के आइए, पेपर सेंड करिए, फिर उस पर बात करेंगे, रिव्यू करेंगे, और फिर आगे की चर्चा जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत शुभकामनाएं आपको।